भागलपुर के जोगसर थाना में एक महिला ने थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार पर अभद्र व्यवहार से बात करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। दरअसल जोगसर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी की घटना घटी थी, जिसको लेकर महिला लिखित आवेदन देने के लिए थाने पर पहुंची थी, लेकिन आवेदन लेने में थाना प्रभारी आनाकानी करने लगे। तभी महिला ने कहा कि मुझे FIR नहीं करानी है, बल्कि सनहा दर्ज कर लीजिए ताकि मोबाइल का मिसयूज ना हो। तभी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार भड़क उठे और अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उक्त महिला ने कहा कि मेरे भाई की मोबाइल चोरी हो गई थी, जिसकी सनहा दर्ज करवाने के लिए हम लोग थाना पर पहुंचे थे। थाना प्रभारी आग बबूला होकर मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। थाने पर से धक्का मारकर भगाने की कोशिश की जानकारी सीनियर अथॉरिटी तक दे चुके हूँ। उन्होंने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। मेरा थाने में से आना हुआ यहाँ पे कि हमारे भाई का मोबाइल गुम हो गया। मोबाइल गुम हो गया तो एक सिंपल यहाँ इंटीमेशन देना था, ये मोबाइल गुम हो गया है और आप एक्नॉलेज कर लीजिए ताकि वो मोबाइल का कोई मिसयूज ना हो। तो इसलिए हम यहाँ आकर के जैसे ही हम लोग एंटर किए, हमारा भाई से उसने पूछा क्या हुआ। उसने बोला अरे हम वहाँ जा रहे थे। अरे शब्द को सुन करके ये जो रंजीत कुमार जो है यहाँ के सो कॉल्ड इंस्पेक्टर, उनको जैसे लगा कि किसी ने गाली दी थी। बोला ये क्या तरीका है बात करने का। उस ये सारी चीज़ें इनके कैमरा में रिकॉर्डेड है, कोई क्योंकि मैं कहीं से भी डिस्टॉर्ट करके नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे पे भी चीखने चिल्लाने लगा कि कमरे से बाहर निकलिए। हमने कहा कि क्या ये तरीका है एक लेडी से बात करने का, वो भी रात के समय में हम यहाँ पे आए हुए हैं एक छोटी मामूली सी चीज़ के लिए। और फिर वो अपना जो पुलिसिया अंदाज होता है, जो आक्रोश होता है, वो दिखाना शुरू कर दिया। हमने कहा कि फिर वीडियो बनाने लगे। हमने कहा वीडियो में आप बिल्कुल बनाइए, मैं चाहती हूँ कि ये न्यूज़ सब तक जाए कि कम से कम एक छोटे से कंप्लेंट के लिए अगर आज ये सब इंस्पेक्टर ऐसे बदतमीजी से अगर बात करे, है ना, तो जिसको रियल प्रॉब्लम हो, रियल का मतलब हुआ कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो, अगर सीरियस वक्त फिर उसको कैसे ये हैंडल करेंगे। सो मेरी ये गुजारिश है आपके मीडिया के थ्रू कि प्लीज़ ऐसे अधिकारी के बारे में सीनियर अथॉरिटीज तक ये बात जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। दे शुड नॉट ट्रीट एनी इंडिविजुअल वेरी लाइटली। आपके भाई कहाँ के स्थिति में? मेरा भाई अमेरिकन सिटीजन, ठीक है, वो सिंपल, वो अभी 4-5 दिन पहले यहाँ, 10 दिन हमारी मम्मी का वार्षिक श्राद्ध था, उसी में आया था और यहाँ पे इस तरह की हादसा हुई है। और मुझे, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर जो वर्दी में बंदा है वो ऐसे कैसे भी बिहेव कर सकता है। तो आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हेल्प मी आउट, नॉट ओनली मी, आई वॉन्ट दैट पीपल शुड, आई मीन मीडिया शुड हेल्प ऑल द पीपल ऑफ भागलपुर। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खीकल मोहल्ले में काली पूजा चंदा को लेकर चंदा काट रहे लोगों के द्वारा गरिमा गारमेंट्स दुकान में जमकर तोड़फोड़ और दुकानदार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति देखी गई और दोनों तरफ के लोग इकट्ठा होने लगे। सूचना पर सिटी DSP, अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई थानों की पुलिस भारी संख्या में पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं मारपीट करने वाले 8 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे थाने में पूछताछ की गई। दुकानदार का कहना है कि हम लोग दुकानदार में बैठे हुए थे, कुछ लोग चंदा काटने के लिए आए, जिस पर दुकानदार को द्वारा कहा गया कि उन लोगों ने चंदा दे दिया है। इसके बाद चंदा लेने आए लोग गाली गलौज करने के साथ साथ मारपीट करने लगे और दुकान में तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद सिटी DSP और अनुमंडल पदाधिकारी मोहल्ले के लगे CCTV को देख रहे हैं और हंगामा करने वालों की पहचान की जा रही है। वहीं घटना के बाद मोहल्ले में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। मजिस्ट्रेट के साथ साथ अनुमंडल अधिकारी और सिटी DSP मौके पर कैंप करते रहे। दिनांक 10 नवंबर 2023 को धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके शहर भागलपुर में शुभारंभ होने जा रहा है। आभूषणों की नए नए डिजाइनों के साथ गणपति ज्वेलर्स सोनापट्टी का सेकंड ब्रांच श्री गणपति ज्वेलर्स, सोने की गहनों की बनवाई पर 50% की छूट एवं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार, विगत 20 सालों से आपकी सेवा में। तो आइए इस त्योहार को बनाइए कुछ खास श्री गणपति ज्वेलर्स के साथ। हमारा पता है खरमनचक आबकारी गोदाम के निकट भागलपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9934453106 और 9470761103। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और
उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर शहर के मुख्य मार्ग लोहा पट्टी से आनंद चिकित्सालय रोड पर हल्की बारिश में भी जल जमाव हो जाता है, जिससे स्थानीय दुकानदारों के साथ राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर भागलपुर के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल की पहल पर हतिया नाला की सफाई का कार्य मेयर टास्क फोर्स के द्वारा कराया जा रहा है। वहीं मेयर वसुंधरा लाल ने कहा कि इस तरह का हतिया नाला का सफाई आज तक कभी नहीं हुआ था और इस सफाई कार्य की मॉनिटरिंग खुद हम कर रहे हैं। अब यहां के स्थानीय लोगों को हल्की बारिश में भी जल जमाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं वार्ड 36 के पार्षद अमित टिंकल ने कहा कि यह सफाई कार्य हम अपनी निगरानी में करवा रहे हैं, जल्द ही वार्ड की जनता को इस सफाई कार्य का फायदा देखने को मिलेगा। निरीक्षण के दौरान दीपक शर्मा, ओम प्रकाश साह, अमित कनोडिया के साथ स्थानीय लोग मौजूद थे। हाँ, हमने 107 लेबर का जो गैंग बनवाया है मेयर टास्क फोर्स, उसी का ये कमाल है। उसमें से अभी तो हमने 15 का ही गैंग लिया है और अभी कार्यरत 8 ही हैं उसमें से। काली पूजा और छठ को लेकर सब लेबर लगे हुए हैं। अभी दशहरा का भी था काम तो उसमें भी थे कुछ लेबर, उसमें उधर भी। तो इस तरह की सफाई हमने भी पहली बार देखा कि कोई नाला, हथिया नाला इतना भरा हुआ रहता है, 5 फीट तक वो गाद ही भरा हुआ है। लगता है 20-30 सालों से सफाई नहीं हुई है। और इन्होंने कुछ चीज़ें डिमांड की हमसे कि मैडम देंगी तो फिर हम बेहतर कर पाएंगे, तो हमने इनके डिमांड को पूरा किया। पाइपलाइन से बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पानी को बाईपास करते हुए नाला का सफाई और नाले का उड़ाही कर रहे हैं और हमको दिख रहा है कि ये कितना बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि और किन्हीं को देखना है इस तरह की सफाई, किन्हीं पार्षदों को, सम्मानित पार्षदों को, तो आकर के देखें कैसे ये सफाई हो रही है। इससे बहुत बड़ी फायदा होने वाली है कि अभी जो आनंद चिकित्सालय रोड और लोहापट्टी में जल जमाव की स्थिति बनी रहती थी, तो हमको लगता है इतना उड़ाही के बाद ये स्थिति नहीं रहेगी। इससे हतिया नाला से ये पटल बाबू रोड जो हर समय जलमग्न रहता था, जरा सा भी वर्षा हो जाता था या किसी कारण से, उससे बहुत आमजनों को, उस पर आने जाने वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगी और जल जमाव की समस्या जो मुख्य बाजार के मार्ग में जाने के लिए पटल बाबू रोड द्वारा रहती थी वो अब नहीं रहेगी। अभी तक 4-5 बड़ा वाला हैवा से तो माल निकल चुका है और भी सफाई हो रही है ना। हमको लगता है विगत 10 वर्षों से इस नाला पर शायद किसी कारणवश लोगों का ध्यान नहीं पड़ा था निगम कर्मियों का, इस बार जो है और सफाई से ये बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी आम जन लोगों को। अब सफाई तो बहुत अच्छा हो रहा है, इस ढंग की सफाई पहले मैंने कभी नहीं देखा था। करीब 30 वर्ष से इस जगह में रह रहा हूँ, ये 30 वर्ष में पहली बार ऐसी सफाई हुई। क्या फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा तो मतलब वो इस पानी जो जल जमाव का जो स्थिति हर बरसात में होती थी उससे बहुत निजात होगा। ये बहुत सुंदर लग रहा है इस तरह की सफाई को देखते हुए। आज तक मतलब कि कभी भी नगर निगम का इस तरह का सफाई नहीं देखे हमने। हम भी भागलपुर के बासिंदे हैं और इसी गली में हमारा भी घर है, लेकिन ये पहली बार नई मेयर के कार्यकाल में इतना बढ़िया काम हो रहा है। इतना डीप जो है नाले की सफाई हो रही है, इसके कारण से जो है आनंद चिकित्सालय रोड, लोहा पट्टी जो जल जमाव की स्थिति रहती थी, इसमें सुधार होगा और लोगों को इससे निजात मिलेगा। भागलपुर के खरमनचक स्थित गणपति ज्वेलर्स का दूसरा भव्य शोरूम का उद्घाटन 10 नवंबर को होने जा रहा है। इसको लेकर प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर जितेंद्र वर्मा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि शहर के अंदर यह हमारा दूसरा शोरूम है। इस नए शोरूम को खोलने का हमारा एक ही मकसद है, शहर से अलग होकर एक फार्म खोले जहां पर पार्किंग के साथ साथ ग्राहकों को आने जाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसको लेकर यह शोरूम का उद्घाटन धनतेरस के शुभ अवसर पर 10 नवंबर को होने जा रहा है।
जितेंद्र वर्मा ने कहा कि धनतेरस के अवसर पर हमारे यहाँ से सोने चांदी हीरे के आभूषण की खरीदारी करने पर ग्राहकों को भारी छूट के साथ साथ उपहार भी दिए जाएंगे। प्रेस वार्ता में जितेंद्र वर्मा, विनीत वर्मा, सुभाष चंद्र, शशांक काकू श्रीवास्तव समेत फर्म के कई कर्मचारी शामिल थे। 10 नवंबर को धनतेरस के शुभ अवसर पर होने जा रहा है। मैं शहर के सभी मेरे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वह धनतेरस के शुभ अवसर पर हमारी जो ये धनतेरस के शुभ अवसर पर हमारी जो ये शाखा खुली है श्री गणपति ज्वेलर्स, उसमें आप सभी आए और हम लोग मैंने कस्टमर के लिए एक नया रेंज लेकर आए हैं। हल्की ज्वेलरी और हैवी वेट ज्वेलरी, राजकोट ज्वेलरी, बॉम्बे की ज्वेलरी और इटालियन ज्वेलरी और चांदी के बर्तन है नई नई श्रृंखला में और चांदी के आभूषण। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा धनतेरस के शुभ अवसर पर हमारे ज्वेलर्स में आइए आप गणपति ज्वेलर्स में, और उस दिन हम लोगों ने एक ऑफर रखा है, मेकिंग चार्ज पर हम लोग 50% ऑफ किया है और चांदी के जेवर के बनाई पर भी हम लोग 50% के ऑफ किया है और हर खरीदारी पर एक निश्चित उपहार हम लोग देंगे। मैं विनीत कुमार वर्मा, श्री गणपति ज्वेलर्स, मेरी ये दूसरी शाखा खरमन चक में 10 तारीख को ओपनिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर अच्छी सुविधा मिलेगी ग्राहक को, अच्छी ज्वेलरी मिलेगी, अच्छी सिल्वर की ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी, सब रेंज मिलेगा यहाँ पे। और हमारी नई शाखा ये प्रारंभ होने जा रही है, द्वितीय शाखा 10 तारीख को, और कुछ असुविधा के कारण ये शाखा हमने चालू की है। जैसे कि हमारी प्रथम जो शाखा थी वहाँ पे सबसे बड़ी सुविधा नहीं थी पार्किंग की, जिसके कारण ग्राहकों को बहुत ही असुविधा होती थी और असुविधा होने के कारण ग्राहकों से हमारा उनके अनुरोध के द्वारा हमने ये नई शाखा श्री गणपति ज्वेलर्स 10 तारीख को मैं चालू करने जा रहा हूँ और ग्राहकों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनकी इच्छा से हम चालू कर रहे हैं। 10 तारीख को धनतेरस पर ओपनिंग कर रहे हैं ताकि कस्टमर को सुविधा और सुविधा नहीं हो, सुविधा के अनुसार हम लोग यहाँ पर चालू कर रहे हैं गणपति ज्वेलर्स का दूसरी ब्रांच। और पहली जो ब्रांच थी हमारी वहाँ पे कस्टमर को बहुत ही असुविधा होती थी, जिसके कारण ग्राहक भ्रमित होते थे, भ्रमित होने के कारण बहुत ही दिक्कत होती थी और हम लोग ये शाखा 10 तारीख को चालू करने जा रहे हैं। धनतेरस आने वाला है। धनतेरस में मोबाइल की बिक्री जोरों पर रहती है। मार्केट में लोग एक से एक ऑफर देकर ग्राहकों को लुभाने में लगे हैं। ऑफर्स की बरसात हो रही है। ऐसे में भागलपुर के तिलका मांझी में तिलका मांझी थाना के पास स्थित मोबाइल ट्रेंड्स स्टोर भी धनतेरस और दीपावली को लेकर आपके स्वागत को तैयार है। इस मोबाइल स्टोर में सभी ब्रांड जैसे कि ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, मी, आईफोन, इन्फिनिक्स, टेक्नो, नोकिया, वीवो, सैमसंग के सभी रेंज के मोबाइल फोन मिल जाते हैं। आपका बजट कुछ भी हो, यहाँ आपको हर बजट का मोबाइल फोन मिल जाएगा। साथ ही हर तरह के एक्सेसरीज जैसे कि ईयरफोन, ईयरबड्स, चार्जर, डेटा केबल भी उपलब्ध है। यहाँ सभी तरह के फोन उपलब्ध हैं, इवन कीपैड से लेकर के एंड्रॉयड, आईफोन, और लगभग 8,000 की कीमत से लेकर 85,000 रुपये तक के फोन उपलब्ध हैं मेरे यहाँ। और सभी वर्ग के लोग परचेस कर सकते हैं मेरे यहाँ से। परचेस करने के लिए मैं तो सेल करता ही हूँ फोन के सेल करने के साथ साथ मैं अपने कस्टमर को विश्वास भी देता हूँ कि मेरे यहाँ से जो भी प्रोडक्ट वो परचेस करेंगे उन्हें एक विश्वास भी मिलेगा और उन्हें एक अच्छे सर्विस की गारंटी मैं देता हूँ। मैं अगर सर्विस की ज़रूरत पड़ी, कुछ कस्टमर्स नहीं आ सकते हैं, मैं उनके घर तक अपनी सर्विस को प्रोवाइड करता हूँ। मोबाइल ट्रेंड शॉप के ऑनर ने बताया कि हम मोबाइल की बिक्री भरोसे और विश्वास के साथ करते हैं। ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारा मोटो है। हम ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचते हैं, वो भी बेस्ट कीमत में। हमारे यहाँ से मोबाइल लेकर आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। साथ ही हमारे यहाँ आफ्टर सेल्स भी शानदार सर्विस दी जाती है। अगर कभी भी आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप सीधे मोबाइल लेकर हमारे पास आ सकते हैं और हम सर्विस सेंटर से उसकी सर्विसिंग
अंदर आके देंगे। और ग्राहक अगर हमारे स्टोर में नहीं आ सकते तो हमारे स्टोर से कोई उनके घर तक चला जाएगा और उनका मोबाइल रिपेयरिंग कराकर उनको वापस कर देगा। मोबाइल ट्रेंड्स स्टोर में लोन पर भी आप फोन ले सकते हैं। आप मामूली कीमत देकर 0% इंटरेस्ट पर कोई भी फोन खरीद सकते हैं। सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर आना है और अपना मनपसंद फोन ले जा सकते हैं। लगभग सभी ब्रांड के फोन उपलब्ध हैं, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, वीवो, आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, लगभग सभी प्रकार के फोन जो भागलपुर में उपलब्ध हैं, उन सारे ब्रांडेड फोन्स मेरे यहाँ एंड्रॉयड उपलब्ध हैं। इवन मोटरोला की पैड, आईटेल एंड नोकिया, ऑल दिस थिंग्स, ये सब फोन्स उपलब्ध हैं मेरे यहाँ। अगर किसी कस्टमर के पास पैसे नहीं है, वो हमारे पास फाइनेंस पर आकर के ले सकते हैं। हम 0% इंटरेस्ट पर अपने फ़ोन को उपलब्ध कराते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। कुछ लोगों के पास जैसे आते हैं कस्टमर, मेरे पास कुछ ही पैसे हैं, तो उनके पास जितने पैसे रहते हैं, सपोज दैट 2000 है, 1500 है, 3000 है, तो उनकी सुविधा अनुसार हमें उन्हें फाइनेंस पर अपने फ़ोन को उपलब्ध करवा देता हूँ, ताकि वो भी खुश रहे और भगवान की दया से मेरे स्टोर भी चलता रहे। सबसे पहले कि कभी किसी को धोखा नहीं मिलेगा, मेरे यहाँ सारे फोन्स ओरिजिनल रहेंगे, पूरे ब्रांडेड रहेंगे, कभी कोई खुला पैकेट नहीं मिलेगा मेरे यहाँ से, सील पैक रहेंगे, और उनके साथ साथ सारे फ़ोन के विश्वास और सर्विस अच्छी रहेगी, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। आफ्टर सेल सर्विस, अगर किसी को कोई दुविधा हुई, मैं उनके घर पर भी अपने सर्विस को प्रोवाइड करता हूँ। अगर वो आ सके हमारे आउटलेट पर, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने कस्टमर को एक सुविधा प्रदान करता हूं कि अगर उन्हें कभी, भगवान की दया से आज तक कभी कोई ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कभी हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निकल है, तो मैं अपने कस्टमर को बोलता हूं, आप मेरे आउटलेट पर आइए, मैं आपके लिए सारी सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा, मैं आपके लिए सर्विस सेंटर जाऊँगा, मैं वहाँ से सब कुछ कर सकता हूँ। ऑफकोर्स मैं एक आई टी इंजीनियर हूँ और मैं उन लोगों के अच्छे से अच्छा सलाह दे सकता हूँ, और ये फ़ोन्स के बारे में मुझे अच्छी जानकारी है। तो एटलीस्ट कोई भी फ़ोन खरीदने के लिए हमारे कस्टमर आते हैं, तो मैंने उनसे डिस्कस करके और अच्छे से अच्छी सलाह देता हूँ कि किस तरह के फ़ोन्स आपके लिए उपयोगी हैं और किस तरह के फ़ोन आपको अच्छे रहे, आप पर भी सूट करेंगे और अच्छा चलेगा। मेरे पास फ़ोन के अलावा सारे फ़ोन्स के एसेसरीज अवेलेबल हैं, इवन चार्जर, डाटा USB केबल एंड एयरफोन्स, हेडफोन्स, नेक बैंड, एयरबड्स सभी उपलब्ध हैं। कुछ ऑफर्स रुपए में भी हैं, कुछ गिफ्ट्स भी हैं। मैं अपने हर एक कस्टमर्स को कुछ न कुछ उपलब्ध करवाऊंगा। धनतेरस और दीपावली पर मोबाइल ट्रेंड्स में ऑफर भी मिल रहे हैं, साथ ही ग्राहकों को गिफ्ट भी दिए जाएंगे। तो अगर आप भी शानदार फोन, वो भी पूरे भरोसे के साथ लेना चाहते हैं, तो भागलपुर के तिलकामांझी में तिलकामांझी थाना के पास स्थित मोबाइल ट्रेंड्स स्टोर पर एक बार जरूर विजिट करें। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना के बैरक में 100 कारतूस चोरी होने के मामले में पुलिस ने देर रात मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमकित्ता गांव में सघन छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने रामपुर खुर्द पंचायत के उप सरपंच को गिरफ्तार किया है। सुल्तानगंज थाना के बैरक से 100 कारतूस, 2 मोबाइल और मैगजीन लेकर थाने में बंद एक नाबालिग चोर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक पैन गांव में 2 घरों में चोरी की घटना घटित होने के बाद लोगों ने उस नाबालिग को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। तत्पश्चात उस नाबालिग को मौका मिलते ही थाने में ही चोरी कर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही विधि व्यवस्था DSP डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में सुल्तानगंज बाथ और अकबर नगर थाने के द्वारा छापेमारी की गई। पकड़ाए युवक के पास से पुलिस ने मैगजीन सहित 25 कारतूस बरामद कर लिए। वहीं उसने पुलिसिया पूछताछ में यह बात बताई कि उसने नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर खुर्द पंचायत के उप सरपंच कुंदन चौधरी को बेचा है। तत्पश्चात पुलिस ने उप सरपंच के घर की घेराबंदी कर उप सरपंच पति कुंदन चौधरी को जैसे ही गिरफ्तार करना चाहा, तो वो मौके से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस बलों की मदद से उसे धर दबोचा गया। पुलिस ने उसके पास से 5 कारतूस बरामद किया। वहीं इस मामले में सुल्तानगंज थाना के 2 पुलिस अवनिरीक्षक, 5 BMP सिपाही एवं 1 होमगार्ड के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है। कुंदन चौधरी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट एवं रंगदारी के 3 मामले, विस्फोटक पदार्थ से संबंधित 1 मामले और चोरी से संबंधित 1 मामला दर्ज है।
भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित अति प्राचीन बाबा मनस्कामनाथ मंदिर में आगामी त्यौहार दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के बैनर तले एसडीएम धनंजय कुमार की अध्यक्षता में मेड़पतियों और पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। मौके पर पुलिस लाइन डीएसपी संजीव कुमार, नाथनगर थानाध्यक्ष मोहम्मद महताब खान, ललमटिया ओपी प्रभारी हरिंद्र कुमार, मधुसूदनपुर ओपी के एसआई आदर्श कुंदन, नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव, नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष जियाउर रहमान, अमरकांड मंडल समेत सभी मेड़पति और पूजा समिति और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। बैठक के दौरान एसडीएम धनंजय कुमार ने कहा कि सभी मेड़पतियों को आगामी त्यौहार काली पूजा को लेकर लाइसेंस मिलना अनिवार्य है और लाइसेंस में दिए गए समय और नियमों का हर संभव पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर पूर्णतः बैन रहेगा, नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि विसर्जन शोभा यात्रा में सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। वहीं विसर्जन जुलूस की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। सादे लिबास में भी पुलिस बल इलाके में भ्रमणशील रहेंगे। उन्होंने लोगों को शांति और सौहार्द वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील की। हाँ देखिए, आप सभी को जानकारी है कि यहाँ पे भागलपुर में काली पूजा का एक विशेष महत्व है और नाथनगर में भी अच्छी संख्या में यहाँ पे मूर्ति का निर्माण होता है और लगभग 18 से 20 विसर्जन शोभा यात्रा भी निकलती है। तो आज यहाँ पे सभी मेड़पतियों के साथ हम लोगों ने बैठक की ताकि जो भी उनका स्पेसिफिक समस्या है वो हम लोग जान पाए ताकि उसका ससमय निदान किया जा सके। और बाकी जहाँ तक अन्य तैयारियों की बात है तो नाथनगर हमेशा से एक खुद में एक सेल्फ सस्टेन यूनिट के तरह काम करता है। यहाँ पे जो पूजा समिति है वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और प्रशासन को बहुत मदद मिलता है इससे। और इसके अलावा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की तैनाती है, साथ ही साथ घाट की सफाई हो या फिर रास्तों की मरम्मति या फिर लाइटिंग का काम हो, तो जो हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसी मुताबिक सारा कार्य किया जाएगा। नहीं देखिए, विवाद कुछ नहीं है, उसमें नियम स्पष्ट है कि जो एक्ट है उसके तहत हम लोग यहाँ पे दो स्पीकर और दो जो हॉर्न बोलते हैं उसको अलाउ करते हैं एक विसर्जन शोभा यात्रा में। वो ऐसा नहीं है कि आप एक विसर्जन शोभा यात्रा में ऐसा किए कि एक गाड़ी पे चार लगा लिए और दूसरे गाड़ी पे भी चार। तो हर एक विसर्जन शोभा यात्रा में केवल चार स्पीकर, जो कि पब्लिक रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए आवश्यक होता है, कभी कभी आपको ही आवश्यक होती है अपनी विसर्जन शोभा यात्रा को गाइड करने के लिए, तो उसको अलाउ किया गया है और कोई समस्या नहीं थी। दुर्गा पूजा में भी सभी लोगों ने इस बात को माना और उम्मीद करता हूँ कि काली पूजा में भी इसी प्रकार से सब लोग करेंगे। दिवाली में क्या पटाखे छोड़ेंगे? भागलपुर के किलकारी में बाल उत्सव 2023 कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के दर्जनों सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। किलकारी में बाल उत्सव के मौके पर कई सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किलकारी के प्रमंडल समन्वयक अधिकारी अभिलाषा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष हम लोग बाल उत्सव मनाते हैं, इसमें अधिकतर सरकारी विद्यालय के बच्चों को मौका देते हैं। बाल उत्सव 2023 हमारा चल रहा है और बाल उत्सव का मुख्य रहता है जैसे बाल दिवस होता है और किलकारी चूंकि बच्चों की संस्था है, 8-16 वर्ष के बच्चों के लिए काम होता है, तो इस बार दिवाली से छठ के बीच है और क्योंकि हम लोग का प्रतियोगिता होता है, सारे विद्यालय बंद होते हैं, इस वजह से थोड़ा पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। आज चौथा दिन है और आज विभिन्न डांस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, एकल ग्रुप, सारा चीज़ है। इसमें स्थानीय पूरे भागलपुर से लगभग गवर्नमेंट और प्राइवेट सारे स्कूल्स के बच्चे होते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को ज़्यादा कवर करें क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है बट सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं मिल पाता है। और हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ प्रोफेशनल बच्चे ही आएँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं अभी प्रतियोगिता चल रही है, तो उद्देश्य है कि बच्चों को एक मंच अवेलेबल कराएं हम लोग क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और उससे भविष्य में बच्चे जिस भी फील्ड में जाना चाहें उसमें जा सकें। तो ये एक रुचि प्रदान करने का कह सकते हैं क्योंकि आजकल क्या है ना कि पेरेंट्स का रहता है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, तो लेकिन आज देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा भी अभी बहुत सारा बीपीएससी के माध्यम से डांस, म्यूजिक, क्राफ्ट, हर विधा के प्रशिक्षकों का चयन किया गया है और ज्वाइनिंग मिली है, तो हर फील्ड में भविष्य है और किसी भी फील्ड में बच्चे जाना चाहें उसमें बेहतर कर सकते हैं, तो ये भी एक उद्देश्य है और बच्चों को एक अच्छा माहौल देने का। भागलपुर की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होने के लिए घर से बाहर निकल रही है और पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है। कई महिलाएं भागलपुर की प्रिया सोनी के साथ जुड़कर बेकार पड़ी गोबर से दिवाली के लिए खूबसूरत सजावट के सामान तैयार कर रही हैं। 10 महिलाएं दीपावली को ग्रीन दीपावली, क्लीन दीपावली मनाने के लिए गोबर के दिए तैयार कर रही हैं। इसके साथ ही गोबर से भी तरह तरह की सामग्री, मसलन गुलदस्ता, पेन स्टैंड, बंदवार, मोमेंटो, चाबी रिंग, पंचगव्य, उपले समेत कई सामग्री तैयार कर रही है। इसके साथ ही कई महिलाएं
महिलाएं घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली चीजें मसाला मिठाई तैयार कर रही हैं, जिसकी डिमांड भी हो रही है। घर का काम करने के बाद महिलाएं हर दिन 3 से 4 घंटे गोबर के प्रोडक्ट्स बनाकर खुद का और घर का खर्च वहन कर रही है। महिलाओं ने लोगों से क्लीन दिवाली ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की है। दिवाली को लेके जो है अभी दिया बना रहे हैं, मोमेंटो बना रहे हैं, डेकोरेट का सामान वगैरह, चाबी रिंग हो गया, दिया गोबर से और उसमें मटेरियल कुछ यूज हो रहा है, और ये जो है धूप भी जो है बन रही है। यहाँ ऑर्डर जो है बिहार झारखंड से अभी ऑर्डर आ रहा है, और चाहेंगे कि आप लोगों से अपील है कि आप लोग गोबर के ही दिए घर में जलाएं। मिट्टी के दिए तो जला ही रहे थे, लेकिन इस बार यूनिक चीज है गोबर का दिया, और उसी को यूज कीजिए। लोग आ रहे हैं खरीदने? हाँ, लोग को बहुत मतलब पसंद आया गोबर का दिया, और वो बोल रहे हैं कि हम गोबर का ही दिया से इस बार घर में दिवाली मनाएंगे। दिया ऐसी है जो लकड़ियों से बनती है, तो उसको हम लोग रिप्लेस करके हम लोग जो है गोबर का ये कर रहे हैं, ताकि हमारे जो मेन उद्देश्य है इसमें सेव काउ सेव नेचर सेव नेशन। दिवाली को लेकर क्या? दिवाली के लिए अभी दिए बन रहे हैं, वॉल डेकोरेशन के लिए वॉल हैंगिंग के सामान बन रहे हैं, तो इस तरह के कई सारे गोबर से बन रहे हैं। कैसे उसको तैयार करते हैं? गोबर का हम लोग पहले पाउडर बनाते हैं, पाउडर करने के बाद फिर बहुत सारे प्लांट्स के लीफ है जिसको कि ड्राई करके उसको भी पाउडर बनाते हैं, और मिक्सिंग करके फिर उसको हम लोग जो उसको गूंथते हैं, जैसे गूंथ के फिर उसको उसका मटेरियल रेडी करके फिर उसका साँचा तैयार करते हैं। महिलाएं काम में लगी हैं? यहाँ पे अभी 15 महिलाएं हैं जो कि अभी सिर्फ दिए में काम कर रही है, क्योंकि हमारा ये बाहर भी जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा सदन में महिलाओं पर दिए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों के द्वारा भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर सीएम का पुतला दहन किया गया। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महिलाओं का कहना है कि सदन एक मंदिर होता है जहां लोग इसकी पूजा करते हैं, वहीं सदन में इस तरह के बयान से पूरे प्रदेश की नहीं देश की महिलाओं के साथ अपमानजनक बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। एक तरफ जहां परिवार के लोग बच्चों के साथ फिल्म देखने से भी परहेज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब सदन की कार्रवाई में जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिया जा रहा है, अब लोग सदन की कार्रवाई भी देखना पसंद नहीं करेंगे। वहीं महिलाओं का कहना था कि आने वाले चुनाव में महिलाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगी। देखिए, जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है, बयान नहीं कहिए, मंदिर जैसे स्थानों पे जिसे लोग वहां पहुंचते हैं तो छूकर उसकी चौखट पे प्रवेश करते हैं, ऐसे स्थानों पे उन्होंने यह बयान जो दिया, जो उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कहा, पूरे स्वच्छ मानसिकता से उन्होंने कहा कि मीडिया वाले भी सुन ले, तो मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग जहां परिवार के साथ बैठ के अब फिल्में नहीं देख पाते हैं, क्या अब हम लोग सदन की कार्रवाई भी देखना बंद कर दें? इतनी अभद्र टिप्पणियां, कहीं ना कहीं उन्हें मालूम था कि हम ऐसे जगह बैठ के कह रहे हैं जहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसके लिए कोई ऐसी नियम नहीं बनी है जहाँ पर कि उनकी कार्रवाई कोई की जाए, लेकिन महिलाएं जानती है अपनी कार्रवाई को करना, इसलिए जरूर सदन में भाषण दी गई बातें कही गई को कार्रवाई नहीं हो, लेकिन बिहार की महिलाएं उन पर कार्रवाई करना जानती है, और आने वाले समय में बताएगी, बल्कि आने वाले क्या समय, आज तो हर चौक चौराहे पे ये बातें हो रही है। अभी हम लोग यहाँ जब पुतला दहन कर रहे थे, आने जाने वाले सभी आम महिलाएं बोल रही थी कि देखो नीतीश कुमार ने क्या सुना है, कैसा बयान दिया है, तो ऐसे बयान से लगता है शर्म से सर झुक जाता है हम लोगों का, आज सड़क पे निकलना मुश्किल हो गया। आज हम लोग सभी महिलाएं नीतीश कुमार का जो बयान सदन में आया था, महिलाओं के प्रति इतना अभद्र टिप्पणी की जो हमें बोलने में भी शर्म आती, आज तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा अभद्र बात नहीं कही है संविधान के बारे में, महिलाओं के बारे में, उन्होंने हम महिलाओं का अपमान करते हैं, उन्हें महिलाओं के बारे में उनका सोच जो दर्शाता है वो बहुत ही घटिया और शर्मनाक है, ऐसी बातें जो हम महिलाएं कहना नापसंद करेंगे वो पूरे सदन में उन्होंने ऐसी बात कही है, उन्हें राज्य के बारे में सोचना चाहिए कि राज्य का विकास कैसे किया जाए, लेकिन वो ऐसी बातों को बोलते हैं जो कि हम लोगों के लिए महिलाओं का अपमान होता है, जो राज्य में आज तक किसी ने नहीं किया, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कही है। कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास पिछले साल शराब के साथ 2 लोगों को
पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें श्याम चौधरी और ब्रह्मदेव यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 77 लीटर देसी शराब बरामद किया गया था। जिस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद उत्पाद कोर्ट 2 रायर सिंह के द्वारा दोनों अभियुक्तों को 5 साल की सजा सुनाई है। वहीं 1,00,000 का जुर्माना भी अभियुक्तों को दिया गया है। वहीं फाइन की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया गया है। 2183 कहलगांव रसलपुर 737-23 का ट्रायल मान्य श्री राजेश सिंह EDJ 12 उत्पाद कोर्ट 2 में ट्रायल कंक्लूड हुआ और आज सजा सुनाई गई। 30A में सजा सुनाई गई और उक्त में 5 साल की सजा और 1,00,000 रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सजा। अभियुक्त का नाम क्या मामला था? यह श्याम चौधरी, दो अभियुक्त था, श्याम चौधरी और ब्रह्मदेव यादव दो अभियुक्त था। यह शराब की मामला था। यह चांदपुर बस टेम्पू स्टैंड के पास गुप्त सूचना मिली पुलिस को कि शराब लेकर के, अवैध शराब लेकर के जा रहा है, उसी पर पुलिस ने छापा मारा। 1-1 लीटर का 77 लीटर वहाँ शराब मिली थी।